दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको पुरुषों में सेक्सुअल डिसेबिलिटी, पुरुषों में इनफर्टिलिटी एवं सेक्स से जुड़ी हुई अलग अलग सामान्य रोगों में किस प्रकार से पतंजलि की दवाइयों को उपयोग करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही सामान्य सी चार आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका उपयोग यदि आप सही तरीके से और सही विधि से कर लेते हैं तो आपको सेक्सुअल डिसेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। दोस्तों जिन चार औषधियों को आपको उपयोग में लेना है वो आपके सामने है, यौवन चूर्ण, चंद्रप्रभावटी, शुद्ध शिलाजीत और यमुनामृतवटी। सबसे मुख्य बात यह है कि इसका उपयोग किस तरीके से करना है और किस समय करना है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने यौवन चूर्ण, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको यूज करने के लिए एक ग्लास दूध लेना है। उस एक ग्लास दूध में आपको ये एक चम्मच यौवन चूर्ण मिला लेना है। यदि आप शाम के समय ले रहे हैं तो शाम को भोजन करने के बाद आप एक ग्लास दूध में एक चम्मच यौवन चूर्ण मिला लें। उसी दूध में आप दो बूंद शुद्ध शिलाजीत की डाल देवे, जिनको भी सेक्सुअल डिसेबिलिटी है वो दो बूंद शुद्ध शिलाजीत की मिक्स कर लेवे, फिर उस दूध को अच्छे से फेंट लेवे। उसी दूध के साथ दोस्तों आपको दो टेबलेट चंद्र प्रभावटी यानी कि दो गोलियां चंद्र प्रभावटी की खानी है और दो टेबलेट आपको यमुना अमृतवटी की लेनी है। यानी कि एक ग्लास दूध में आपने शुद्ध शिलाजीत यौवन चूर्ण मिला लिया, उसी दूध के साथ आपको शाम को खाना खाने के बाद दो दो गोलियां चंद्रप्रभा यमुनामृत की लेनी है। दो दो गोलियां आपको सुबह भी खाली पेट इन्हीं मेडिसिन की वापस यूज लेनी है। सुबह भी आपको यौवन चूर्ण शुद्ध शिलाजीत मिक्स करके और दो दो गोलियां चंद्रप्रभा और यमुनामृतवटी की खाली पेट लेनी है। तो अगर आप इन दवाइयों का यूज करते हैं तो सेक्स से संबंधित कई प्रकार के रोगों में आप आसानी से बच सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर क्लियर लिखा हुआ है, यूजफुल इन मेन इनफर्टिलिटी, सामान्य इनफर्टिलिटी की समस्या हो, सेक्सुअल डिसेबिलिटी की समस्या हो, तो ये दोस्तों दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट हो, कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप पतंजलि के स्टोर पर जाकर के पतंजलि के वैद्य से और परामर्श लेकर इन औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। ओम।